देखते रहिए यूवीएन जीरो एट बहादुरपुर से हरिओम त्यागी की रिपोर्ट। बड़ी खबर आ रही है, महंगे दामों पर बिकने के लिए गोदाम में रखे यूरिया खाद पर कृषि विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की और गोदाम में भरी पड़ी खाद को सरकारी दाम पर पुलिस की निगरानी में किसानों को खाद वितरण कराया गया। जैन कृषि सेवा केंद्र बंगला चौराहे की एक गोदाम में महंगे दामों में बिकने के लिए रखी यूरिया खाद की लोगों द्वारा जब सूचना मुंगावली कृषि विभाग की टीम को लगी तो वह सोमवार की शाम बंगला चौराहे स्थित गोदाम पर पहुंचकर छापामार कार्रवाई की, जहां मौके पर सैकड़ों यूरिया खाद की बोरियां गोदाम में रखी पाई गई, जहां कृषि विभाग की टीम को देखकर क्षेत्र सहित आसपास के गांव के किसान इकट्ठे हो गए और यूरिया खाद की मांग करने लगे, जहां टीम ने किसानों को सरकारी दाम पर यूरिया खाद वितरण कराया। वहीं यूरिया खाद को लेकर दस्तावेज सही पाए गए। छापामार कार्रवाई की सूचना से किसानों की सैकड़ों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। जब किसानों की बड़ी भीड़ को देखते हुए बंगला चौराहा चौकी प्रभारी राजेंद्र शर्मा अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और किसानों को यूरिया खाद का वितरण कराया गया। देखते रहिए यूवीएन जीरो एट ताजा खबरों के लिए आगे और भी खबर। देखते रहिए यूवीएन जीरो एट गुना से योगेश लोधा की रिपोर्ट। आज आर्य व्रत श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा गुना कलेक्टर भास्कर लक्षकार से मुलाकात की गई और उन्हें टीम द्वारा गुलदस्ता भेंट कर शुभकामनाएं प्रेषित की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से आर्य व्रत श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री नरेंद्र बीलरबान, जिला अध्यक्ष लक्ष्मीकांत साक, जिला संयोजक दीपक बीलरबान, पत्रकार योगेश लोधा, समाज सेवी सतीश सैनी, पार्षद प्रदीप सैनी आदि उपस्थित रहे। देखते रहिए यूवीएन जीरो एट ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।